सीधा आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। आज जन्मदिन है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का और हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में आज के दिन वो जरूर प्रेस को संबोधित करती हैं। ब्लू बुक का विमोचन का भी कार्यक्रम है, अपना संबोधन शुरू करने जा रही हैं मायावती। शुक्रिया आपका बहुत। शुरू करें। सबसे पहले आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर आप सभी मीडिया बंधुओं को वे आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं एवं अपने शुभचिंतकों को भी नववर्ष सन 2024 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि ये नववर्ष सभी की जिंदगी में अपार तरक्की व खुशहाली लाए तथा आए दिन नई नई आ रही बीमारियों के प्रकोप से भी जरूर बचाए। वैसे मेरे जन्मदिन को लेकर आप लोग ये अवगत हैं कि नववर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी पार्टी व मूवमेंट से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाते हैं और वे इस वर्ष आज भी उसी मिशनरी भावना व सोच के तहत ही मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश भर में मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, उसके लिए मैं उन सभी लोगों का व अपने शुभ चिंतकों का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि अपने शुभ चिंतकों का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में चार बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनत कश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके वे नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदल कर भुनाने में लगी हैं, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार व मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपने पार्टी के नेतृत्व में चार बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज ना बनाकर बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफ़ी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। साथ ही इन्हें मान सम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी काफ़ी मौका दिया है।
जो वर्तमान में हमें कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपने इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर व मीडिया के जरिए इन सभी दुखी एवं पीड़ित लोगों से व विशेषकर बहुजन समाज के सभी वर्गों से, अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वे अपनी रोटी रोजी व रोजगार आदि के लिए तथा मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने व अपनी वर्तमान एवं आगे आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए भी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी BSP को हर मामले में जरूर मजबूत बनाना है, तथा जिनके हित व कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान में दिए गए संवैधानिक कानूनी अधिकारों का भी सही से पूरा लाभ लें, तभी फिर वास्तव में इन वर्गों के लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के समय में काफ़ी कुछ करके भी दिखाया है, जबकि कांग्रेस, BJP व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां भी, जिनकी सोच, सिद्धांत एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सामंतवादी भी है, ऐसी ये पार्टियां सत्ता में बने रहकर इनको कभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती हैं। ऐसे में फिर इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों के चलते इनका सही से पूरा विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि देश में SC ST व OBC वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य और क्षेत्रों में भी आरक्षण दिए जाने की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, तो उनका भी अब इन विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तथा अन्य और मामलों में भी इनकी लगभग यही खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को BSP से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड, भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत BSP के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर BSP प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था,
तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ ख़त्म हो सकती है। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। और यदि पार्टी के लोग इन सभी हालातों का मुकाबला करके अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से आगे बढ़ने की पहल करते हैं तो फिर हमारी पार्टी ज़रूर आगे बढ़ेगी। इसी भरोसे के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरी लिखित पुस्तक मेरा संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 19वें हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी करती हूँ। और ये पुस्तक खासकर वर्तमान युवा पीढ़ी व पार्टी में नए जुड़े लोगों के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनका एक उज्ज्वल एवं बेहतरीन मार्गदर्शक बनने का काम करेगी, जिसे मैं हर वर्ष इस पुस्तक के जरिए आज के ही दिन अपने लोगों को ये खास तोहफा भी देती हूँ। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन करने से पहले पार्टी के लोगों से ये भी अनुरोध करती हूँ कि अब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है, और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा शक्ति एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव
अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें दो हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफ़ी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है, ऐसी ये आम धारणा है, जिसके खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें भी उठने लगी हैं, ऐसे में ये सिस्टम कभी भी ख़त्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, इसलिए हमें पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही गठबंधन को लेकर खासकर मैं गठबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है, तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमज़ोर
एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी, चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। ताकि अपने लोगों के हितों में कुछ जरूरी कार्य होते रहे। संक्षेप में मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात किसी भी पार्टी व गठबंधन के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी पुस्तक का विमोचन करती हूँ। बराबर किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी मायावती। पहले ये काम तो हो जाने दो। बड़ी खबर यह है कि कोई गठबंधन नहीं करेंगी मायावती और बीएसपी किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का। अभी अभी बिल्कुल साफ कर दिया बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने, कोई गठबंधन किए बगैर बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ा ऐलान, अकेले लड़ेंगी लोकसभा चुनाव बीएसपी की अध्यक्ष मायावती। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। कारण उन्होंने दिया कि इसका लाभ गठबंधन करने वाले दल को हो जाता है, बीएसपी को नहीं होता है। उसके इंटरेस्ट को जीवित रखने के लिए बीएसपी ये चुनाव अकेले लड़ेगी। और इसके बाद की बात भी उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि हम बाहर से किसी को सपोर्ट करने वाले नहीं है चुनाव के बाद। यह भी स्पष्ट कर दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। बड़ा ऐलान मायावती का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जन्मदिन के दिन। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का वोट तो दूसरे दल को ट्रांसफर हो जाता है लेकिन बीएसपी को कोई लाभ नहीं होता। और इसका उदाहरण भी दिया बाकायदा 1993 के लोक विधानसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और फिर 1998 में बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन था। उस वक्त का उन्होंने जिक्र भी किया और कहा कि मायावती ने बताया कि बीएसपी को कम सीटें मिली। और दूसरे सहयोगी दल को ज्यादा सीटें मिली, यह कारण दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने।